तो टुडे वी आर गोइंग टू एंड चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम। हमने ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं इसकी, तो आगे की तरफ मूव करते हैं। हम लोगों ने इक्विलिब्रियम स्टेट, लॉ ऑफ मास एक्शन, गैसियस इक्विलिब्रियम, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ली शैडलियर प्रिंसिपल। ली शैडलियर प्रिंसिपल आप लोगों से कहा था कि आप लोग ली शैडलियर प्रिंसिपल ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? तो आप लोगों ने ली शैडलियर प्रिंसिपल देख लिया होगा। फिलहाल सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन इफेक्ट, ये दो चीज़ें रह गई हैं, हम दो चीज़ें पढ़ लेते हैं। फिर इसके न्यूमेरिकल्स और सिस्टम डिजाइनिंग, इन दोनों की वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है? तो वो आप देख लीजिएगा। फिलहाल अभी ये दो टॉपिक करने के बाद मैं सवाल करूँगा आप लोगों से ली शैडलियर प्रिंसिपल के मुताबिक, ठीक है? तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कल डेफिनेशन बता चुके हैं भाई, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल मीन्स इनसॉल्युबल तो नहीं कहेंगे, पार्शियली सॉल्युबल या इनकम्प्लीटली सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल या फिर इनकम्प्लीटली सॉल्युबल। ऐसे तमाम सॉल्ट जो कि 100% अपने आयंस में ब्रेक ना हो, बल्कि उनमें अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स और डिसोसिएटेड आयंस के दरमियान इक्विलिब्रियम आ जाए। अगर इक्विलिब्रियम आएगा तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे सॉल्ट क्या कहलाते हैं? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर सल्फाइड, लेड आयोडाइड, लेड सल्फाइड और कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब ये सारे के सारे सॉल्ट क्या है हमारे पास? ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हैं। 100% ये अपने आयंस में, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में ब्रेक नहीं होते। सेकेंड हमने देखा था इसमें सॉल्युबिलिटी क्या है भाई, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड होता है या तो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर या 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर या 1 dm³, एक फिक्स कर लिया हमने, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेंगे, उसमें जितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व होगा यहाँ तक के सैचुरेटेड सॉल्यूशन हासिल हो जाए, तो ये चीज कहलाएगी सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। ये हमने कल डिस्कस कर लिया। सेकेंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। अब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ये नाम से जाहिर है, वो चीज जो कि सॉल्युबल हो जाए, और प्रोडक्ट में क्या हासिल होगा? आइंस। फॉर एग्जाम्पल हम सिल्वर क्लोराइड डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज इनटू इट्स आइन, दैट इज सिल्वर आइन एंड क्लोराइड आइन, ठीक है? तो सिल्वर आइन कैटाइन, क्लोराइड आइन एनाइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, इनकी एक्टिव मासेस को मल्टीप्लाई करवाने का मतलब दोनों का प्रोडक्ट। तो अगर हम किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो के अपने आयंस में ब्रेक हो चुका है, उनके आयोनिक प्रोडक्ट का, मतलब आयोनिक प्रोडक्ट का मतलब जो प्रोडक्ट में आयंस हासिल हुए हैं उनका प्रोडक्ट ले लें, उनके आयंस का कैटाइन और एनायन का प्रोडक्ट ले लें, तो ये कहलाता है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, या सिंपल वर्ड में एक्टिव मासेस ऑफ आयंस ऑफ स्पेरिंगली सॉलिबल सॉल्ट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। इट इज डिनोटेड बाय KSP, KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, C का मतलब कंसंट्रेशन फॉर सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, KP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसियस स्टेट, एंड KSP सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, कांस्टेंट फॉर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। ये सिंपल डिनोट किस तरीके से करते हैं, इसका भी मल्टीपल चॉइस बन सकता है। अब आगे की तरफ मूव करते हैं, देखिए एप्लीकेशंस ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। अब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस हैं, ये दो चीजें बताता है। पहली बात कि हम सॉल्ट के सॉल्यूशन बना रहे हैं, मतलब सॉल्ट को डिजोल्व करेंगे वाटर के अंदर, वो क्या बनेगा? सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जा रहा है तो यकीनन सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी। तो होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज नोन एज व्हाट? सॉल्यूशन। ये हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ चुके हैं। हम जिस सॉल्ट को सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, क्या उसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, क्या उसके प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, या प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगी? एक तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन ये बताती है कि भाई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगी कि नहीं। प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं? जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं रिमेन्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्ट को पानी में ऐड करें और सारा का सारा सॉल्ट डिजॉल्व हो जाए, लेकिन कुछ सॉल्ट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हासिल हो, PPT की फॉर्म में, सॉलिड पार्टिकल की शक्ल में, तो ये कहलाएगा हमारे पास PPT प्रेसिपिटेट। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तीन टाइप का सॉल्यूशन होता है विद रिस्पेक्ट टू सॉलिबिलिटी, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड।
तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन ये भी बताती है हमें कि किस टाइप का सॉल्यूशन हासिल हुआ है, आया कि हमें सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट से सैचुरेटेड हासिल हुआ है, अनसैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड। अच्छा, यहाँ पे जिस तरीके से कल हम लोगों ने पढ़ा कि रेशो या केसी इनिशियल या केसी कैलकुलेटेड अगर स्टैंडर्ड या गिवन केसी से ज्यादा हो, रेशो ज्यादा होगा केसी से गिवन तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा, बैकवर्ड रिएक्शन की फॉर्मेशन होगी, बैकवर्ड रिएक्शन होगा डायरेक्शन के लिहाज से। रेशो कम होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और रेशो अगर स्टैंडर्ड के इक्वल आ गया तो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होगा। ये हम लोगों ने कल स्टडी किया था केसी की एप्लीकेशन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और इसमें ये भी पढ़ा था हम लोगों ने कि जो चीज ज्यादा होगी वो स्टेबल, रेशियो ज्यादा है प्रोडक्ट ज्यादा, प्रोडक्ट स्टेबल है, ठीक है। प्रोडक्ट आपके पास कम है तो रिटर्न स्टेबल है, तो अगर एक चीज स्टेबल होगी दूसरी चीज क्या होगी, अनस्टेबल। बिल्कुल केसी जिस तरीके से तीन कंडीशन थी कि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसको नाम दिया हमने रेशियो का, या उसको केसी इनिशियल भी कह सकते हैं या केसी कैलकुलेटेड भी, मतलब रेशो या तो गिवन केसी से ज्यादा होगा स्टैंडर्ड केसी से, रेशो या तो गिवन केसी से कम होगा, रेशो या तो गिवन केसी के इक्वल होगा। इसी तरह सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल होता है, बड़ा ही आसान सा है, ठीक है। और ये तो समझे एक लाइन में न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कल आप लोगों से पूछा था मैंने कि अगर 4 मोलर एक्टिव मास की यूनिट है, मोलर, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर लीटर, 4 मोलर NaCl को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें तो NaCl की सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगी, ठीक है। हमने 4 कर दिया, कल हमने 2 किया था, अब हमने 4 कर दिया, तो कितनी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होगी, जल्दी से जरा आंसर दीजिएगा। अगर 4 मोलर NaCl को, हाँ यकीन नबिया ने एक आंसर दे दिया, और जल्दी से किसी के जहन में कुछ और, शाबाश अरीबा ने भी आंसर दे दिया और नबिया ने बहुत जल्दी आंसर दिया है। अब नबिया दोबारा कैलकुलेट करें, नबिया ने आंसर चेंज कर दिया है, 16 16। हाँ नहीं बिल्कुल, सर, मुझे पता था, वो गलती से मैंने कर दिया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां होती रहती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया 4 × 4, सिंपल वर्ड में देखिए भाई, दो एक्टिव मासेस हैं, सिंपल वर्ड में 4 × 4, ठीक है। ये बात समझ में आती है। एक क्वेश्चन और करूं, अब किसी से गलती तो नहीं होगी। देखिए आप लोग कम से कम ना, जिसको भी आंसर आता हो कौन हो जाएगा, कम से कम आप लोग 5 सेकंड लिया करें, आंसर आता भी ना 5 सेकंड सोचें, आंसर मुझे आता भी है ना तो 5 से 10 सेकंड में सोचूं हाँ सही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। चले एक क्वेश्चन है, लेड आयोडाइड, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं लेड आयोडाइड का, PbI2, PbI2 PbI2, ठीक है। लेड आयोडाइड की जो एक्टिव मास है वो कितनी है, 2 मोलर। लेड आयोडाइड की एक्टिव मास 2 मोलर है, ये लाजमी मल्टीपल चॉइस आएगा और अभी पता चल जाएगा किसने सही किया। जब लेड आयोडाइड को हम एक्वा सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो क्या बनते हैं, लेड आइंस, Pb+2, लेड +2 बन गया ये हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पैन तो है नहीं, हम इस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। और प्लस 2 आयोडाइड, ये 2 है भाई और ये आई लिख दिया हमने, आयोडाइड 2I-, ठीक है। तो ये मैंने इक्वेशन दे दी आपको, अगर लेड आयोडाइड की एक्टिव मास 2 मोलर है, इफ द एक्टिव मास ऑफ लेड आयोडाइड इज 2 मोलर, देन द केएसपी ऑफ लेड आयोडाइड विल बी डैश। चलेंगे जिसको आंसर आता भी वो कम से कम 5 से 10 सेकंड ले और इसका बिल्कुल सही आंसर दे, मैं कोई आंसर चेंज नहीं करेगा। इफ द एक्टिव मास ऑफ लेड आयोडाइड इज 2, हेंस द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लेड आयोडाइड इज डैश। जल्दी से आंसर दें भाई जी, कितना हो, देखते बताएं भाई। तबीयत खराब है वो देख लें। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, कोफिशिएंट कितना है 1, एक्टिव मास कितनी है x,
यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, एक्टिव मास कितनी है इसकी, एक्स। यहाँ पे टू लिखा हुआ है ना, तो ये होगा टू एक्स, ठीक है। इसकी बनाएंगे केएसपी एक्सप्रेशन। केएसपी कैसे बनेगी, केएसपी लिखेंगे, और केएसपी में सिंपल वर्ड था ये भाई, केएसपी विल बी इक्वल्स टू लेडाइंस, यहां पे लेडाइंस आ जाएंगे, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोराइड आइंस, सॉरी आयोडाइड आइंस, माइनस वन, ठीक है। अब क्योंकि लेड में तो कोई कोएफिशिएंट ही नहीं था, पावर वन है इसकी, इसकी पावर कितनी है टू, आयोडाइड की पावर कितनी है टू, वैल्यू पुट डाउन करते हैं। अब जरा थोड़ा चेंज आ जाएगा, कैसे भाई, लेकिन यहां रखेंगे एक्स, यहां रखेंगे टू एक्स, 2x का स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, 4x इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, इसका क्या लेंगे स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इनटू x, 4x क्यूब, एक्सप्रेशन बन गई 4x क्यूब, क्या बन गई 4x क्यूब। x क्या चीज है, x है एक्टिव मास, x क्या चीज है एक्टिव मास, एक्टिव मास कितनी 2, 2 का क्यूब कितना होगा A, the solubility product of lead iodide will be कितनी होगी 32। बात समझ में आए भाई, असल में NaCl वगैरह में तो 1-1 coefficient था ना, वो तो बड़ा आसान था, जल्दी से कर लिया, लेकिन असल में इसमें क्या होता है कि जो आपके पास sparingly soluble salt जिसमें टू twice thrice आ जाता है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें जो कोफिशेंट है वो अंदर भी पुट करना होगा और वो पावर की टर्म में भी लेके जाना होगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, जल्दी बताएं भाई, ये सवाल था 30 सेकंड में सॉल्व करने का, वैसे अगर आता हो तो जल्दी बताइए भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, इस तरह कोई भी सॉल्व गिवन होगा आपको, एक्टिव मास होल नंबर में गिवन होगी, आप बिल्कुल इसी तरीके से एक्सप्रेशन बनाएंगे, एक्स एक्स, यहां पे थ्री होगा तो थ्री एक्स रख देंगे, तो थ्री एक्स अंदर आ जाएगा और पावर आ जाएगी थ्री, ठीक है। इसको हम स्क्वायर भी ले लेंगे, क्यूब भी ले लेंगे, इसमें कोई सवाल, नहीं पॉइंट सिक्स थ्री, तो ये तो मेरे खुद समझ में नहीं आया, दूसरा बात इतने 0.6 थ्री आंसर कैसे निकाल दिया, ये तो अनहोनी हो गई भाई, अरे भाई कहते मिटाएं इसको, 0.63 तो समझ में नहीं आया, चाहिए गलती से लग गया ये फिलहाल, 0.63 तो आंसर ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए ना, देखिए लेड आयोडाइड, सबसे पहले इक्वेशन इस पर गौर करें, सबसे पहले इक्वेशन पर गौर करें, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, देखें ये इक्वेशन है ना, लेड आयोडाइड ब्रेक डाउन इनटू इट्स आयन, कैटायन एन आयन, हमने देखते हैं सिंपल, आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा, x यहां पर देखें, ये x डिपेंड कर रहा है कोफिशिएंट के ऊपर, यहां पे 1 लिखा हुआ है तो लिख दिया 1x, यहां पे लिखा हुआ है लेड आइंस, लेकिन लेड आइंस में यहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो x, यहां पे 2 लिखा हुआ है तो 2x। अब हमने बनाई KSP की एक्सप्रेशन, अगर NaCl होता तो बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था, नाउ एप्लीकेशन ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर तीन कंडीशन, एक केएसपी जो हमें गिवन होगा इसको कहेंगे स्टैंडर्ड, केएसपी लिखा हुआ है सिर्फ, और जो हम कैलकुलेट करेंगे उसको कहेंगे केएसपी कैलकुलेटेड या फिर आयोनिक प्रोडक्ट। जिस तरीके से एक केएसपी हमें गिवन था उसको कहेंगे स्टैंडर्ड, और एक केएसपी हमने मालूम किया उसको कहेंगे रेशो। तो यहाँ पर भी सिंपल क्या है कि जो केएसपी हमें गिवन होगा वो होगा स्टैंडर्ड, और जो केएसपी
हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो कहलाएगा केएसपी कैलकुलेटेड या आयोनिक प्रोडक्ट। अब आयोनिक प्रोडक्ट या तो लेस होगा गिवन केएसपी से, आयोनिक प्रोडक्ट या तो ग्रेटर होगा गिवन केएसपी से, या तो आयोनिक प्रोडक्ट इक्वल होगा किसके भाई गिवन केएसपी से। तो बहुत ही आसान सी बात है, अगर ये क्या लिखा हुआ है एक केएसपी, पहले केएसपी लिखा हुआ है, पहले केएसपी का मतलब क्या है ये है स्टैंडर्ड, और आयनिक प्रोडक्ट का क्या मतलब क्या है ये हमने कैलकुलेट किया। अगर आयनिक प्रोडक्ट लेस आएगा स्टैंडर्ड केएसपी से, या सिंपल वर्ड में स्टैंडर्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ग्रेटर होता है आयनिक प्रोडक्ट से, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होगा वो अनसैचुरेटेड होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, अनसैचुरेटेड और पीपीटी फॉर्मेशन नहीं होगी। क्लियर है, जरा देखिएगा इसको एक मिनट। सर चले गए क्या? अच्छा भाई ठीक है, सिंपल यहाँ पर क्या है, बहुत ही आसान सी बात, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो देख लेंगे। अगर आयनिक प्रोडक्ट, अगर आयनिक प्रोडक्ट लेस आएगा गिवन केएसपी से, तो दो बातें हैं, नंबर वन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की फॉर्मेशन। अच्छा पहले हम ना सिर्फ टाइप ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट का मतलब है हम जो कैलकुलेट करेंगे, हमने जो कैलकुलेट किया है वो अगर लेस आएगा गिवन स्टैंडर्ड केएसपी से तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ज्यादा आएगा तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अगर इक्वल आ गया तो बन जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बहुत आसान सी बात है, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं आयनिक प्रोडक्ट, अगर वो लेस आएगा स्टैंडर्ड से तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर ग्रेटर आ गया तो सुपर सैचुरेटेड, और अगर इक्वल आएगा तो सैचुरेटेड। इक्वल में सैचुरेटेड है, लेस में अनसैचुरेटेड है, और ग्रेटर में सुपर सैचुरेटेड है। ये तो हमने बात कर ली सैचुरेशन की सॉलिबिलिटी के लिहाज से। अब बात करते हैं पीपीटी की। अगर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा तो पीपीटी फॉर्मेशन नहीं होगी। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनेगा, जब आयनिक प्रोडक्ट लेस आएगा। अगर आयनिक प्रोडक्ट लेस होगा तो नो पीपीटी विल फॉर्म एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन विल बी ऑब्टेन। एक बात तो ये होगी, जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा तो बनेगी पीपीटी। सुपर सैचुरेट कब बनेगा, जब आयनिक प्रोडक्ट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं अगर वो ग्रेटर होगा किससे, स्टैंडर्ड केएसपी से,
तो बनेगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्या बनेगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, ये बन गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और इसमें पीपीटी फॉर्मेशन हो जाएगी. थर्ड कंडीशन वाला न्यूमेरिकल आता नहीं है, ना ही, अच्छा न्यूमेरिकल नहीं आता, मल्टीपल चॉइस आ सकता है. मतलब मल्टीपल चॉइस में न्यूमेरिकल्स हैं वो थर्ड कंडीशन वाले नहीं आते. या तो आते हैं आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा वाले या तो आयनिक प्रोडक्ट कम वाले. अगर आयनिक प्रोडक्ट और गिवन केस भी दोनों इक्वल आ गए तो सॉल्यूशन की टाइप कौन सी होगी? सैचुरेटेड. पीपीटी फॉर्मेशन नहीं होगी. बाय एडिंग मोर सॉल्यूट पीपीटी विल फॉर्म. देखें सॉल्यूशन की फॉर्म्स क्या होती हैं. पहली फॉर्म होती है अनसैचुरेटेड, तो पीपीटी नहीं बनती. दूसरी फॉर्म होती है सैचुरेटेड, पीपीटी नहीं बनती. लेकिन जैसे ही सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड की तरफ जाते हैं पीपीटी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. तो सुपर सैचुरेटेड पीपीटी बनेगी जब आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर होगा. जब आयनिक प्रोडक्ट लेस होगा अनसैचुरेटेड में कोई पीपीटी फॉर्मेशन नहीं होगी. और जब इक्वल होंगे जब भी कोई पीपीटी फॉर्मेशन नहीं होगी. तो इक्वल का न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा. ज्यादातर न्यूमेरिकल किस चीज का आता है? अगर आयनिक प्रोडक्ट लेस हो नो पीपीटी फॉर्मेशन और आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो पीपीटी फॉर्मेशन. ठीक है, तो ये तो हमने एप्लीकेशन पढ़ ली. इसके न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने कहा था कि भाई एडिशन कर दूंगा मैं वीडियोस वगैरह के लिहाज से. नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास देखें ये ना सॉलिडिटी प्रोडक्ट की सिंपल एक डेरिवेशन टाइप है. डेरिवेशन हरगिज नहीं आएगी. सिर्फ क्या होगा, एक इक्वेशन गिवन होगी आपको. आपसे बोला जाएगा कि केसी एक्सप्रेशन लिखें या केएसपी एक्सप्रेशन लिखें. फिर याद रखिएगा, देखिए हमें एक सॉल्ट गिवन होगा AgCl, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, PbCl2, Pb पॉजिटिव Cl नेगेटिव 2, या PbI2, I-1 और 2 इसका क्या होगा कोफिशिएंट. हमें कहा जाएगा कि Kc एक्सप्रेशन क्या होगी. देखें पहली बात, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है AgCl, ब्रेक डाउन होगा अपने आयंस में, अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड आयंस के अंदर इक्विलिब्रियम है. तो हम इस पे Kc अप्लाई कर सकते हैं. Kc क्या है? Kc इज द रेशियो बिटवीन एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट एक्टिव मास आ गया और नीचे क्या आ गया, रिएक्टेंट. खैर फिलहाल अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड आयंस के दरमियान इक्विलिब्रियम. जब भी कोई सॉल्ट ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसमें इक्विलिब्रियम आएगा हम उस पर केसी की एक्सप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं. केसी अप्लाई किया हमने, प्रोडक्ट लिखे हमने ऊपर और रिटर्न लिख दिया नीचे. याद रखिएगा जो भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा उसकी केएसपी वो कांस्टेंट होता है उसका डिसोसिएशन. ये पहले से साइंटिस्ट मालूम कर चुके हैं. और जो चीज मालूम होती है वो होती है कांस्टेंट. जो चीज मालूम होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट. इसका मतलब जो डिवाइड में AgCl आ रहा है जाके मल्टीप्लाई हुआ Kc से, तो ये AgCl क्या हो गया, कांस्टेंट. इसका नाम रखा हमने के डैश. कुछ भी रख दें, के डैश, K1, K2, K3, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, यानी कि देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट AgCl एट इक्विलिब्रियम. हमेशा जो भी इक्विलिब्रियम में AgCl या PbI2 या कोई भी सॉल्ट होगा उसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा और उसकी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो होगी या उसका कांस्टेंट जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेगी. और यहाँ पे जब दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, एक Kc इक्विलिब्रियम और एक K, उस सॉल्ट का कांस्टेंट जो कि डिसोसिएट हुआ मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट. तो ये डेफिनेशन से जाहिर था, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन. स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन में जो आयंस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, अगर उनकी आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लें तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा हमारे पास सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट. ठीक है, इसके बाद अब देखिए क्या है भाई, अब कॉमन आयन इफेक्ट. ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कॉमन आयन इफेक्ट. जस्ट डेफिनेशन पूछी आती है और कुछ भी नहीं. सेकेंड ईयर के जो प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है, हमारे पास सेकेंड ईयर के जो प्रैक्टिकल्स थे, मतलब आप लोगों ने सिर्फ लिखे होंगे, बहुत ही कम लोगों ने किए होंगे, उसमें सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का फेनोमेना अप्लाई हो रहा था. ठीक है, जितने भी हमारे सॉल्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल थे
ठीक है, एसिडिक में तीन ग्रुप थे, बेसिक के अंदर छह ग्रुप थे, और हर ग्रुप के अंदर आयंस थे, और हर ग्रुप का एक ग्रुप रीजन था, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का फेनोमेना अप्लाई हो रहा था। तो कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन एक जैसे आयन, इफेक्ट असर एक जैसे आयोना का असर। फॉर एग्जाम्पल, बल्कि एग्जाम्पल को छोड़ें, एग्जाम्पल बाद में समझाऊंगा आप लोगों को मैं, ये पहले ये समझ लें, समझ आएगा नहीं पहले। वो डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग द कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। एक तो डेफिनेशन ये हो गई जो सर से गुजर गई होगी। सेकेंड, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड by the addition of strong electrolyte containing common ion. This effect is known as common ion effect. ये definition समझ में आ रही है आप लोगों के? 5 सेकेंड है आप लोगों के पास। चले चले ठीक है, हाँ ठीक है। देखें बहुत आसान सी बात, अभी छोड़ दें इसको। खाने में नमक ज्यादा हो गया, खाने में मिर्ची ज्यादा हो गई, चाय में चीनी ज्यादा हो गई। काश हमारे पास एक जादुई स्पून होता, जादुई चमचा होता, जिसको हम उस कंटेनर में डालते जिसमें नमक मिर्च ज्यादा हो चुकी है या सॉल्ट ज्यादा हो गया, एक बटन दबाते कि भाई कितना मोलर कम करना है, वो सॉल्ट को सॉल्युबल से इनसॉल्युबल फॉर्म में लेके आता और हम बाहर निकाल लेते, ठीक है। ये मतलब ये तरीका, इसी तरीके से कॉमन आयन इफेक्ट समझ में आ जाएगा अपना। फिर क्या होता, फिर तो किसी की जरूरत ही नहीं थी शेफ वेब की, जितना मर्जी या हंस भी जाएगा कम वगैरह डाल दिया, जिसको जिस तरह खाना है ना उसके आगे जादुई चमचा रखा हुआ है, वो क्या करेगा, चमचे में बटन दबाव है भाई कितना उसमें से निकालना है, 0.5 मोलर, 1 मोलर, 5 मोलर, 6 मोलर, तो उसने अपना हस्बे जाएगा वो चीज निकाल दी बाहर, और उसके टेस्ट के मुताबिक वो आपके पास मेजर डिश हो गई जो वो खा रहा है। लेकिन ऐसा कोई हमारे पास कंडीशन नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहली बात ये, अगर हमारे पास एक खाने में नमक ज्यादा है तो नमक सॉल्युबल हुआ हुआ उसके अंदर, सॉल्ट क्या है, सॉल्युबल, और उस सॉल्युबल सॉल्ट को हम बाहर निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम उस सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम कर रहे हैं। याद रखिएगा कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कब होगा वो जब उसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होगा, अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कम करनी हो, इसका मतलब उसमें से सॉल्यूट को प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर निकाल दें, तो इसका मतलब क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। अब हमें सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में एक अननोन सॉल्ट गिवन होता था, जिसमें हमें सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स में एक अननोन सॉल्ट गिवन होता था, जिसमें हम कैटाइन अलग डिटेक्ट करते थे, एनाइन अलग डिटेक्ट करते थे। हर ग्रुप का एक ग्रुप रिएजेंट होता था, हर ग्रुप का क्या होता था, एक ग्रुप रिएजेंट, ठीक है। उस ग्रुप रिएजेंट में ये एबिलिटी होती है कि अपने ग्रुप के एलिमेंट के साथ मिलके एक खास टाइप के प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कर देगा, वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा। वॉलेटाइल प्रोडक्ट किसे कहते हैं, वेपर्स और गैसेस को। नॉन वॉलेटाइल प्रोडक्ट किसे कहते हैं, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट किसी भी कलर के हासिल हो वो कहलाएंगे नॉन वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स। गैसेस या वेपर्स हासिल होंगे तो कहलाएंगे वो वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है वो ऐसा क्या करता था कि भाई हमें तो पहली बात चार्ट याद होना चाहिए था कि ग्रुप ना एसिडिक में तीन ग्रुप थे, पहले ग्रुप का रिएजेंट HCl डाइल्यूट, दूसरे ग्रुप का रिएजेंट H2SO4 कंसंट्रेटेड, और तीसरे ग्रुप का रिएजेंट BaCl2। ये तो बड़ा आसान सा था। अगर आप लोग बेसिक करते तो बेसिक में HCl डाइल्यूट ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का HCl+H2S, ग्रुप 3 का अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ग्रुप 4 का अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड H2S, ग्रुप 5 का अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और हमें क्या था, अमोनियम कार्बोनेट, ग्रुप 6 का अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट SSP Na2SPO4।
तो अगर ग्रुप रिएजेंट याद होते थे हमें तो हम कलर याद कर लेते थे सॉल्ट के कि किस कलर की पीपीटी बनाता है कोई भी ग्रुप रिएजेंट। असल में देखो होगा क्या, होगा इस तरीके से हमारे पास एक सॉल्यूशन है किस चीज का, NaCl का। किस चीज का है? NaCl का। NaCl कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट है। हमें NaCl को पानी में से बाहर निकालना है। तरीके क्या होंगे? पानी भी कम नहीं करना। एक तरीका आप लोग बताएंगे, क्या बोलेंगे? सर हीट कर दें। हीट करने में यकीनन पानी एवोपोरेट हो जाएगा और क्रिस्टल की फॉर्म में सॉल्ट हासिल होगा। ये नहीं करना हमें, हमें पानी को कम नहीं करना है, ठीक है, और उसमें से सॉल्यूट को बाहर निकालना है, सॉल्ट को बाहर निकालना है। सॉल्ट को बाहर निकालने का मतलब कि हमने उसमें एक कंटेनर में पानी है और उसमें 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया हुआ है। हमें 5 ग्राम बाहर निकालना है या 4 ग्राम बाहर निकालना है? जितना सॉल्यूट हमें बाहर निकालना है, इट मींस दैट कि अगर सॉल्यूट बाहर आ गया तो सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक NaCl का सॉल्यूशन है, नदर तो आने रहा क्रिस्टलाइन है, हमारे पास टेस्ट ट्यूब में मौजूद है, एक टेस्ट ट्यूब में NaCl का सॉल्यूशन मौजूद है। हमें ये मालूम करना है कि भाई इसके अंदर कौन सा आयन है, क्या है। हमने याद किया हुआ है क्लोराइड के केस में वाइट पीपीटी बनते हैं, ब्रोमाइड के केस के अंदर येलोइश ब्राउन या डर्टी वाइट पेल येलो पीपीटी बनते हैं, और आयोडाइड के केस के अंदर येलोइश पीपीटी बनते हैं। हमने याद किया हुआ है हैलाइड्स, ठीक है, हमने ये याद किया हुआ है, हमने चार्ट याद है। हमने क्या किया, हमने NaCl का सॉल्यूशन लिया और उसमें सिल्वर नाइट्रेट या HCl डाल दिया। अब सॉल्यूशन में क्या चीज थी? NaCl, तो किसके आयन थे? सोडियम के आयन और दूसरा क्लोराइड के आयन। Ksp की वैल्यू क्या होगी? Ksp विल बी इक्वल्स टू ब्रैकेट Na पॉजिटिव, दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट Cl नेगेटिव। सही है, ये Ksp था। पीपीटी क्यों नहीं बनाए? क्योंकि जो आयनिक प्रोडक्ट है वो लेस है। आयनिक प्रोडक्ट क्या है? लेस है, स्टैंडर्ड से पीपीटी नहीं बना, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे हमने HCl डाला, HCl डालने भी पीपीटी बन गए, वाइट प्रेसिपिटेट हासिल होगा। ये क्या हो गया? HCl डिकम्पोज किसमें होगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। सॉल्ट क्या था? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। कौन सा आयन कॉमन हुआ है? Cl नेगेटिव कॉमन हो गया। जैसे ही Cl नेगेटिव कॉमन हो गया, Ksp की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया। अभी हमने पढ़ी एप्लीकेशन, आयनिक प्रोडक्ट अगर लेस होगा तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, नो पीपीटी फॉर्मेशन। जैसे ही आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा, आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होने के तरीके क्या है? या तो पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दें या तो नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दें। इसका मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसमें हम कोई एक ऐसा एसिड, बेस या सॉल्ट ऐड करते हैं जिसका कोई एक आयन कॉमन हो जाए। एक आयन कॉमन होने की वजह से उस सॉल्ट के बन जाएंगे प्रेसिपिटेट और उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी हो जाएगी डिक्रीज। डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग मिनिमम वन आयन कॉमन, मे बी कैटाइन मे बी एनायन। अगर हम एक सॉल्ट सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कम कर दें, किस तरह? इस तरह कि अगर हम उसके अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें जिसका कोई एक आयन कॉमन हो जाए, मे बी पॉजिटिव आयन मे बी नेगेटिव आयन, दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। ये खत्म हो गई डेफिनेशन, कॉमन आयन इफेक्ट का फेनोमेना क्वालिटेटिव एनालिसिस में इस्तेमाल किया जाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस कौन सी होती है? जिसमें आयंस की डिटेक्शन करनी होती है। फर्स्ट ईयर में एलिमेंट डिटेक्शन के अंदर नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, और सारे हैलाइड्स आयन की डिटेक्शन जो की जा रही थी उसमें कॉमन आयन इफेक्ट का फेनोमेना इस्तेमाल किया जा रहा था। और सेकेंड ईयर के अंदर जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस कौन सी है? जो हम सॉल्ट एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें जो डिटेक्शन ऑफ आयंस है उसमें कॉमन आयन इफेक्ट का फेनोमेना इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बहुत ही आसान सी बात, किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी इस तरह डिक्रीज करना कि उसमें एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें कि उसका कोई एक आयन कॉमन हो जाए, मे बी कैटाइन मे बी एनायन। दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है,
एक जैसे आयनों का असर, इस असर की वजह से क्या होगा, इस असर की वजह से सुपर इम्पोज हो जाएगा वो आयन जो कि उस सॉल्ट सॉल्यूशन में मौजूद है, और उस सॉल्ट सॉल्यूशन में उस सॉल्ट की सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, सप्रेस हो जाएगी। सप्रेस का मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन में कोई मसला किसी को, क्लियर है? ये एप्लीकेशन बताई गई है जो मैंने आपको बता दी, एप्लीकेशन कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर, और क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था ग्रुप टू है, ठीक है। HCl डाला, H2S डाला हुआ है, तो इसमें आयन कॉमन कौन सा होगा, H पॉजिटिव। तो ये आसान सी बात है, ये हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। तो इसमें कोई मसला नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन आती है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी से, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर देते हैं यहीं से। तो अभी अभी हम चैप्टर नंबर 8 की स्लाइड शेयर करते हैं। ठीक है, ओके 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 ओके। अब चैप्टर नंबर 8, ये चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 इज हियर। चैप्टर नंबर 8 नजर आ रहा है भाई आप लोगों को? We are going to start chapter number 8, Introduction to Chemical Kinetics. ठीक है, 10 मिनट में जितना हो सकता है हम करेंगे इसके अंदर, ठीक है। मैं डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेते हैं, दो तीन स्लाइड देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 8 है, इसमें बहुत आसान से न्यूमेरिकल है। रिकॉर्डिंग को चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 6 तकरीबन सेम है, वही रेट ऑफ रिएक्शन, वही वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, वही केमिकल रिएक्शन है, वही केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, ठीक है। इसमें हम रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 6 था, 6 गलत से भी समझ में आ चुका है तो हम बहुत ईजिली पढ़ लेंगे इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो इंट्रोडक्शन में केमिकल काइनेटिक्स नाम से जाहिर है केमिकल मूवमेंट के अंदर है, मूव कर रहा है। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम ये स्टडी करें कि रिएक्टेंट कितनी जल्दी या कितनी देर में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, इट मींस दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहली बात। अगर रिएक्टेंट देर में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में तो क्यों कन्वर्ट हो रहा है, वजह क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर इफेक्टिंग रेट, वो कौन कौन से मराहिल हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जहां से रिएक्टेंट गुजरता हुआ कितने चेंज हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, मैकेनिज्म, और वो क्या कंडीशंस होंगी जिस पर मैक्सिमम यील्ड हासिल हो, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट की क्या कंडीशन रखें कि उस पर मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल हो, ये कहलाएगी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स सिंपल वर्ड में स्टडी है टाइम की, फैक्टर की, मैकेनिज्म की, और ऑप्टिमम कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड टू ऑब्टेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये स्टडी कहलाएगी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स असल के अंदर केमिकल रिएक्शन की स्टडी होती है, रिएक्शन में क्या क्या होगा, टाइम इन्वॉल्व होगा, फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, स्टेप्स मराहिल इन्वॉल्व होंगे अकॉर्डिंग टू हेडिस लॉ, और ऑप्टिमम कंडीशन इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। आसान सी डेफिनेशन है। इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ भी चुके हैं, कहां पर भाई, चैप्टर नंबर 6 में। दो तीन डेफिनेशन है इसकी जो समझ में आए लिख दें इसके अंदर। हमेशा जब भी रिएक्शन होता है प्रोडक्ट की एक्टिव मास इंक्रीज होती है, प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है, रिएक्टेंट की एक्टिव मास डिक्रीज होती है, रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, ठीक है। तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं इसको, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम और डिक्रीज इन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल वर्ड में द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम और द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन में नीचे क्या आ रहा है, टाइम, ऊपर क्या आ रहा है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल पर डीएम क्यू, ठीक है। बाजू का ऐसा होता है कि सॉलिबिलिटी रख देते हैं तो ग्राम पर डीएम क्यू, तो उसकी यूनिट एग्जैक्टली क्या है, द एग्जैक्ट यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर डीएम क्यू पर सेकेंड। मोल पर डीएम क्यू पर सेकेंड इज द एग्जैक्ट यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो बहुत ही आसान सी बात,
चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन. चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन. देखिए वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? एक रिएक्शन चल रहा है, आगे ग्राफ है, इसमें समझ में आएगा. देखिए ग्राफ है, एक रिएक्शन चल रहा है, यहां पे क्या है? प्रोडक्ट है, सॉरी ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज होगा, और ये क्या? प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या होगा? हमेशा इंक्रीज. प्रोडक्ट स्टार्ट होगा जीरो से और रिएक्टेंट स्टार्ट होगा मैक्सिमम से. ये डिक्रीज होगा रिएक्टेंट हमेशा, और प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? इंक्रीज. असल में जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें कंटेनर खोल के नहीं देखा जाएगा कि कितना रिएक्टेंट बाकी है, कितना प्रोडक्ट बन चुका है. उसमें ग्राफ चल रहे होते हैं. ठीक है, उसमें ग्राफ चल रहे होते हैं, उन ग्राफ की मदद से हम बता रहे होते हैं कि भाई कितना रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि टनों के लिहाज से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही होती है. ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक चीज होती है इंस्टेंट. इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हे, एक लम्हे के लिए, एक टाइम पर. देखिए यहां पे चल रहा है टाइम, एक्स एक्सिस पे क्या चल रहा है? टाइम चल रहा है. वाई एक्सिस पे क्या चल रही है? कंसंट्रेशन एक्स. अब हमें ये मालूम करना है कि भाई रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो गया है, तो एक पॉइंट रिएक्टेंट पे लगाएंगे, ये पॉइंट रिएक्टेंट पे आ गया. ठीक है, तो ये x एक्सिस पे खींच देंगे और y एक्सिस पे लाइन खींच देंगे, तो सिंपल क्या मिल जाएगा हमें? हमें टाइम मिल जाएगा और कंसंट्रेशन मिल जाएगी. इसी तरह हमें चाहिए प्रोडक्ट इस पॉइंट के ऊपर. इस पॉइंट पर प्रोडक्ट हासिल करने के दो तीन तरीके हैं. एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ये आ गया एंगल थीटा. ये क्या आ गया? एंगल थीटा. इसका टेन थीटा निकाल दें. क्या निकाल दें? इसका टेन थीटा निकाल दें. इसका क्या निकाल दें हम? टेन थीटा. ठीक है, ये सही से लिखा नहीं आ रहा इसके ऊपर, इसका बना देंगे टेन थीटा. या फिर इसको कहेंगे स्लोप. स्लोप क्या होगा? वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन. बस खत्म खत्म. ये आखिरी है, ये आखिरी है, तीन मिनट है, ये तीन मिनट बाद एंड करते हैं हम लोग. ठीक है, तीन मिनट में एंड कर देंगे इसको, इस स्लाइड खत्म करने के बाद. नबिया कोई मसला नहीं है, हम तीन मिनट के बाद क्लास ऑफ कर रहे हैं. या सिंपल देखें, एक लाइन हमने ड्रॉ की वाई एक्सिस के ऊपर, एक लाइन ड्रॉ की हमने एक्स एक्सिस के ऊपर. ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक्स वन, ये आ गया हमारे पास एक्स टू, ये आ गया हमारे पास, सॉरी ये आ गया एक्स वन है और ये आ गया एक्स टू. एक्स टू तो ये है ना भाई एक्स एक्सिस पर, जल्दी चक्कर में ये देखें ये होता है. ये आ गया हमारे पास वाई वन और ये आ गया हमारे पास वाई टू. अब क्या करना है हमें? हमें स्लोप निकालना है. y2 माइनस y1 डेल्टा y और x2 माइनस x1 डेल्टा x. डेल्टा को इस चैप्टर में d से शो करते हैं, डेल्टा को इस चैप्टर में d से शो करते हैं, तो क्या हो जाएगा? dy बाय dx, dy बाय dx. ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इसको वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितने दी, कितना टाइम लग रहा है. यहां पे बहुत जल्दी कन्वर्ट हो रहा था रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर, यहां पे देर में हो रहा है, यहां पे बिल्कुल ऑफ हो चुका है. इसका मतलब यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट कम रह गया है जो कि चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में. तो तीन नोटेशन है, अगर हम देखें ओवरऑल तो तीन नोटेशन है इसकी. जरा पीछे चलते हैं वापस, देखें द रेट ऑफ रिएक्शन एट स्पेसिफिक टाइम. किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन. इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं. इसको जाहिर करते हैं dx by dt से. किससे जाहिर करते हैं? dx by dt से. और tan थीटा से भी जाहिर करते हैं. tan थीटा dx by dt, या फिर इसको कहते हैं स्लोप. वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को कहते हैं हम dx by dt, स्लोप या टेन थीटा. ठीक है, तो आज हम अपने टॉपिक को यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे और इस वीक में आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 का टेस्ट है.
और मैं कम से कम दो तीन हैंगआउट्स और एक्स्ट्रा आप लोगों को ना ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। और इस वीक के अंदर इंशाल्लाह मैं चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 के जो शॉर्टकट टेक्निक्स हैं न्यूमेरिकल्स की, वो भी सारी की सारी मिक्सल अपलोड कर दूंगा वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो जब तक फिर आप लोग आराम करें, आप लोगों की 8 बजे क्लास है, तो कोई इशू हो तो मुझे व्हाट्सअप के ऊपर ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपने ख्याल रखें।